लूका रचन सुसमाचार आठवें अध्याय का पांचवें वचन कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते वे कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। यहाँ पर एक बीज बोने वाले आए और जैसे बीज बोया वो रास्ते पर गिरा, मार्ग पर गिरा, वहां से रौंदा गया, कुछ पक्षियों ने उसे निकाल ले गया। ये कौन है? परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और उसको गहराई के रूप में काम करने नहीं देते, इसी को कहते हैं मार्ग पर बोने वाला। उस जमीन है, इस बीज यहाँ पर नहीं बोया गया, वो मार्ग पर गिरा है। उसी मार्ग पर बार बार लोग आया जाया करने के चलते उस मार्ग थोड़ा कठिन भूमि हो गया और पूरा सूख गया है, इसलिए वहां पर प्रतिफल नहीं मिला, यानी वो खेत किसी का लाभ में नहीं आया। इस खेत ऐसे मनुष्यों को दर्शाता है। उस मनुष्य अपने जीवन में सारे लोगों को जगह दे देता है। जो पाप करते हैं वो भी उसके मन में आ जाते हैं, नास्तिक है वो भी उसके मन में आ जाते हैं, परमेश्वर के बारे में बुरे कहने वाले सिद्धांत है वो भी उनके मन में आ जाते हैं। ये किसी को मना नहीं करते हैं। ऐसा एक मार्ग हो गया है, इस मार्ग के वो के सारे सिद्धांत मनुष्य लोग आया जाया करने के चलते इस मनुष्य का दिमाग में कुछ भी बोने से वहां प्रतिफल नहीं रहता। मेरे प्यारों, आपका जीवन के बारे में सोचना है, आपका खेत किस प्रकार, या क्या सब लोगों के लिए आपका जीवन में जगह दिए हैं? कोई भी आके कुछ भी कहते हैं और सबको सुनने के लिए आपके पास समय है? क्या इसी प्रकार आपका जमीन है? उस खेत में उस बीज अंदर नहीं गया है, उस खेतों में नहीं जाने के चलते उस मार्ग पर आने वाले उस चिड़ियों ने, पक्षियों ने आके उस बीज को ले गया। इसका मतलब आपका जीवन में वचन अंदर काम नहीं किया है, अंदर नहीं है तो बागरे बागरे रूप में शैतान आके उस पक्षी के समान उस वचन को ले जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, आपका जीवन में परमेश्वर का वचन आपका दिल के गहराई में काम करने के लिए दीजिएगा, तब आपका जीवन में प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया।